अगर आप ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं और आप अपना ईपीएफओ से पीएफ विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो 2024 में आप कैसे पीएफ विड्रॉवल करेंगे ताकि 2 से 3 दिन में आपका पैसा बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाए, आज की इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को फॉलो करके आप 2024 में बिना किसी को 1 रुपए दिए अपने मोबाइल फोन से ये खुद प्रोसेस कर सकते हैं और अपना पीएफ का पैसा जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, इस पे आपको फुल डिटेल पीएफ विड्रॉवल की पता चल जाएगी, आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है epfindia.gov.in, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसे क्रॉस कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना UAN नंबर फिल करना है, यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, यहाँ कैप्चा फिल करना है और साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आपका UAN नंबर नहीं है और आपको आपका UAN नंबर नहीं पता है तो उसे आप यहाँ से पता कर सकते हैं। नो योर UAN पे क्लिक करके आप आधार नंबर फिल करेंगे और आपका UAN आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके और अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर अपना UAN नंबर फिल करते हैं, पासवर्ड फिल करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं। आपके EPF रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ये एक पॉपअप मिलेगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने नॉमिनी को रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर करेंगे। फिलहाल हम इसे लेटर पे क्लिक करके लेटर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डैशबोर्ड इस प्रकार का आता है। यहाँ पर अब आपके सामने आपकी सारी मेंबर प्रोफाइल डिटेल होती हैं। एक बार पीएफ अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या पीएफ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके लिए आपकी KYC और आपका डेट ऑफ एग्जिट सारा का सारा मेंशन होना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट में। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको KYC का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने सारी आपकी KYC ओपन हो जाती है, जैसे यहाँ पर बैंक, आधार, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपकी KYC में वेरीफाइड बाय बैंक या अप्रूव्ड होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पास, ये तीन की तो होनी ही चाहिए KYC अप्रूव्ड। इसके बाद KYC अप्रूव होने के बाद आपको फाइनल चेक करना है डेट ऑफ एग्जिट। तो इसके लिए सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी सर्विस आ जाती है, जिसमें आपका डेट ऑफ एग्जिट जो ये वाला सेक्शन है, ये डेट ऑफ एग्जिट आपका होना चाहिए इस पर। तो ये डेट ऑफ एग्जिट आपका पड़ा हुआ होना चाहिए। एक बार ये सारी डिटेल कंफर्म होने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पे यहाँ पर क्लिक करना है। ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्लेम फॉर्म 31-19-10C and 10D, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है जो भी आपने इससे एसोसिएट किया हुआ है, यानी कि पीएफ से जो आपके बैंक अकाउंट जुड़ा है उसका नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग में यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है, यहाँ आपको प्रोसीड टू फाइल क्लेम पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रकार का क्लेम निकालना चाहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला तो है आपका फॉर्म 19, इसके बाद है आपका फॉर्म 10C, इसके बाद है आपका पीएफ एडवांस का। तो यहाँ पर आपको फुल एंड फाइनल निकालने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई करना होता है। चलिए एक बार फॉर्म 19 सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद फॉर्म 10C भी फिल करेंगे। फॉर्म 19 जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आपको आई अपलोड फॉर्म 15G, तो यहाँ से आपको 15G फॉर्म अपलोड करना है। 15G फॉर्म कैसे फिल करना है चलिए उसे देख लेते हैं। आपके सामने जो फॉर्म्स हो रहा है ये फॉर्म 15G है, इसे ही आपको फिल करना है और अपलोड कर देना है। इसे फिल करने के लिए सबसे पहले इसे आपको डाउनलोड करना है, इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। इसके बाद इसका प्रिंट निकालना है और इसे फिल करना है। नेम ऑफ SSC में सबसे पहले आप नेम फिल करेंगे, जिसके नाम पर भी PF है, PF होल्डर का नेम। इसके बाद पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपने विच ऑफ डिक्लेयर बीइंग मेड प्रीवियस ईयर में आपने कोई भरा है नहीं तो यहाँ पर ना आप कर सकते हैं, और अगर आपने फिल किया है तो उस ईयर को यहाँ पर फिल कर देंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंट फिल करना है, यहाँ पर भी रेसिडेंट फिल करना है। यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना है, इंडियन में यस कर देना है। यहाँ पर अपना लोकेलिटी फिल करना है, स्टेट फिल करना है, राज्य फिल करना है।
इसके बाद वेदर असेसमेंट ऑफ टैक्स अंडर इनकम टैक्स 1961, तो यहाँ पर नो कर देंगे अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से नो कर देना है। यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो यहाँ पर आपको टोटल अपना पीएफ का पैसा दे देना है जिसने के लिए आपने रिक्वेस्ट की हुई है। अगर आपने कोई 15G फॉर्म प्रीवियस ईयर में फिल किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं फिल किया है तो। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल ऑफ इनकम इन विच डिक्लेरेशन इज फील्ड, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में आपको पीएफ देना है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन अंडर द टैक्स 19A फिल करना है और यहाँ अमाउंट ऑफ इनकम टोटल अमाउंट फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है। यहाँ डिक्लेरेशन में फिर से आप अपना नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको करंट ईयर फिल करना है और इसके बाद 31 मार्च का करंट ईयर फिल करना है और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में एक साल पहले का फिल करना है। इसी प्रकार से यहाँ फिर से वही दोनों चीज़ फिल कर देनी है और फिर से यहाँ पर साइन करना है। प्लेस में आप जिस भी सिटी से रह रहे हैं अपनी सिटी का नाम और यहाँ पर डेट दे देंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। पार्ट टू आपको इग्नोर करना है, इसे आपको फिल नहीं करना, बस आपको यहाँ तक ही फिल कर देना है पार्ट वन तक। इसके बाद इसका पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद उस 15G फॉर्म का पीडीएफ बना के इसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस एज पर आधार कार्ड फिल करना है। यहाँ पर आपको एक अपनी पासबुक अपलोड कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। आपका क्लेम एप्लीकेशन फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप PDF क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी रिसिप्ट। एक प्रोसेस सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपको फॉर्म 10C भी फिल करना है, जिसके लिए फिर से ऑनलाइन सर्विस पे आएंगे या फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, इसमें फिर से अंडरटेकिंग में यस करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू क्लेम पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से पहले हमने फॉर्म 19 सेलेक्ट किया था, इस बार आपको फॉर्म 10C सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने फॉर्म 10C सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पर फिल करना है आपको। यहाँ पर आप पासबुक या कैंसिल चेक अपना अपलोड करेंगे। इसके बाद कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP भेजा गया है, उसे यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। फाइनली आपका क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म 10C भी सबमिट हो जाता है और इसके बाद विद इन 24 डेज आपका फुल एंड फाइनल PF निकल कर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन पासबुक में जाकर या फिर व्यू क्लेम स्टेटस में जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं।